हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिजवाना सिंधी। स्वागत है आपका क्लासिक तड़का में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट फूड स्टाइल बॉइल एग फ्राई और बॉइल एग मसाला, जो बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है और ये सभी का फेवरेट होता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या बनाएं, तो आप ये डिश फटाफट से बनाकर इंजॉय कर सकते हो। ये बच्चों और बड़े सभी को पसंद आने वाली चीज़ है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए झटपट बन जाने वाली एक मसाला और एक फ्राई रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने तवा ले लिया है और तवे को हमने गर्म करने के लिए रख दिया था, और उसके अंदर हम सबसे पहले 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ये हमने अंडे बॉयल करके रखे थे, जिसको इस तरीके से आधे आधे हमने कट कर लिए हैं। तो उसको हम तेल गर्म होने के बाद इस तरीके से हम डाल देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने कम से कम 1 दर्जन अंडे बॉईल किए हैं, तो उसको मैं इस तरीके से फ्राई कर रही हूँ। देखिए, आप गैस की फ्लेम को मीडियम स्लो रखें, बिल्कुल फुल भी ना रख दें, और इस तरीके से एक साइड से अंडे गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसको पलट दें और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सभी अंडों को फ्राई कर लेना है। अगर आप चाहो तो ऑयल के बदले बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपको जो भी पसंद हो। तो देखिए अच्छे से ये बॉयल एग फ्राई हो चुके हैं, तो हम उसको निकाल लेंगे प्लेट में। अब इसके ऊपर हम दूसरी चीज़ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्वाद के मुताबिक नमक डाल दिया है, उसके बाद हमने काली मरी पीसी हुई हमने वो भी डाल दी है। ये फटाफट से बनकर रेडी हो जाते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। और ये भुना कूटा हुआ ज़ीरा भी हमने थोड़ा सा ऐड किया है, और थोड़ा सा हम एक चुटकी जितना चाट मसाला भी इस पर ऐड करेंगे। तो सभी मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद हमने कटी बारीक प्याज हमने डाली है। देखिए इस तरीके से हमने प्याज को चॉप कर लिया है, वो भी हमने इस पर डाल दी है। और उसके बाद हमने बारीक टमाटर कट कर लिए थे, वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं। और एक हरी मिर्ची कट करके रखी थी, वो भी हमने इसमें डाल दी है। और लास्ट में हम हरा धनिया इस पर डाल देंगे। तो ये हमारे बॉइल एग फ्राई बनकर रेडी हो चुके हैं। ये बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं, और बच्चे और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आते हैं। अगर आप नॉर्मल बॉइल एग नहीं खाना पसंद करते हो, तो आप इस तरीके से इंजॉय कर सकते हो। तो अब हम आगे दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये दूसरे अंडों को भी हमने बॉइल कर लिया था। अब उसी तवे के अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर दिया है, और उसके अंदर हमने कटी हुई एक बड़ी साइज़ की प्याज डाल दी है, और एक बड़ी साइज़ का टमाटर कटा हुआ हमने डाल दिया है, और 2 से 3 हरी मिर्चें भी हमने कट करी थी, वो भी हमने डाल दी है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये हम एक मसाला स्ट्रीट फूड स्टाइल बना रहे हैं, ये बहुत मज़े का बनता है। आप चाहो तो इसमें भी बटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अच्छे से हमने इसको थोड़ी देर तक पकाया है। उसके अंदर हम आधी चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, उसके बाद 1/4 चम्मच हमने हल्दी डाल दी है, उसके बाद 1 चम्मच भर के हमने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। ये हमने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो नॉर्मल मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और 1/4 चम्मच हमने भुना कूटा हुआ जीरा लिया है, और स्वाद के मुताबिक हमने नमक ऐड किया है। ठीक है, अब इन सब मसालों को डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, आप चाहो तो इस टाइम पे थोड़ा सा 1/4 चम्मच किचन किंग मसाला भी ऐड कर सकते हो। देखिए हमने ये 1/4 चम्मच जितना किचन किंग मसाला भी ऐड कर लिया है। अब इन मसालों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं, इसको हमें 1 मिनट तक अच्छे से भूनना है। उसके बाद जो हमने एक बॉईल करके फ्राई करके रखे हैं, उसको हमने इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देना है मसालों के साथ। देखिए इस पर अच्छे से इसको मिक्स कीजिए, ताकि मसाला अच्छे से लग जाए। उसके बाद लास्ट में हम इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे। तो ये भी फटाफट से हमारी डिश बनकर रेडी हो चुकी है गर्मा गर्म। ये बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है। आप इसको भी चपाती के साथ या बॉयल राइस के साथ इंजॉय कर सकते हो। देखिए मैंने राइस बनाए हुए हैं, तो उसके ऊपर हम एक मसाला डाल देंगे और इसको गर्मा गर्म हम इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी अंडे की 2 रेसिपी बनाकर इंजॉय कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, तो ये चीज़ आप फटाफट से बना सकते हो। देखिए मसाला से बहुत मज़े की और टेस्टी बनी थी, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली को खिलाइएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये बॉइल एग मसाला और बॉइल एग फ्राई की रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, और नई नई रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल क्लासिक तड़का के साथ बने रहिए।
और आप नए हैं और अभी तक आपने मेरी चैनल क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो ऐसे और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो ऐसे और फिर लाइक करो ऐसे।